कांति शरण मुद्गल वर्सेस कांति शरण सर गलत लिखो है, ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है? वाओ, मुझे ये सीन देख के वो याद आ गया, भूल भुलैया। अच्छा अक्षय कुमार और अक्षय कुमार यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी की मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन। बिल्कुल, तो ये बहुत धूम मची हुई है OMG के ट्रेलर की। तो उसके दो ट्रेलर है, ठीक है, एक थोड़ा सा लंबा है, लाइक 3 मिनट्स का है और एक मिनट का है। तो हम अलग अलग करके दिखाएंगे वीडियो को और हम उस ट्रेलर पे रिएक्शन देते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, ठीक है, और बाकी तबसरा करेंगे हम बाद में एंड में। ठीक है, तो आए हमारे साथ इसको। नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। कांति शरण मुद्गल वर्सेस कांति शरण सर गलत लिखो है, ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है? तो बड़ा नाम होगा ना, कितना मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। पंकज त्रिपाठी अलग ही है। अच्छा, मुझे इसकी वीडियो बहुत पसंद है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता था। आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना कांति जी। अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया है तू। बच्चे गिल्ट में भर जाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा। मुझे ये सीन देख के वो याद आ गया, भूल भुलैया। अच्छा, अक्षय कुमार तो बस। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाए गए। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। सनातन धर्म के चार स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा कर रही हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। क्या प्रकार है भाई ये? कचौड़ी। चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। ये जो मूवी का ट्रेलर था ये इतना ही था, उससे अगला क्लिप जो है वो अब हम देखेंगे। ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर आस्तिक कांति शरण मुद्गल, और तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक
ही छीलाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का कोई वैसे ही है। जो वैसे ही लग रहा है, थोड़ा बहुत अलग अलग रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर हर जो चाल बदल दे काल का कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। ये था ट्रेलर। हाँ बिल्कुल, OMG 2 का। अच्छा इससे पहले मुझे लग रहा है कि OMG मैंने देखी नहीं है, OMG पहले भी आ चुके हैं क्योंकि ये OMG 2 है। अच्छा, ना मैंने ना पहली वाली देखी ना दूसरी वाली देखी, और जो ट्रेलर देखा अभी देख लिया मैंने आपके सामने ट्रेलर। और मूवी कैसी है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार को एज अ गॉड शिव जो है ना वो बनाया है, ठीक है, और उसको वहाँ भेजा गया, जैसे वो पीके जैसे एलियन था, पीके में एलियन, पीके में आमिर खान इसी तरीके से इसमें शिव में गॉड। अब जहाँ ये पता चला है जैसे नेहा बता रही है तो मेरा भी वही ख्याल है। पंकज त्रिपाठी तो वो है ना जो केस चल रहा है वो कुछ मुझे समझ नहीं आया कि उसकी बेस क्या है। उसका बेस ये है कि पंकज त्रिपाठी के बेटे ने कोई काम किया है, अब वो नहीं पता वो क्या। लेकिन ट्रेन का हादसा हुआ है, वो तो मरा है ना बाद में, वो तो मरा नहीं है, खैर उसने हादसा हुआ है तो वो उसके ऊपर केस कर रहे हैं कि वो किस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उसने केस किया है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई है, बाकी जो है वो वीडियो के बाद ही पता चलेगा। एजुकेशन सिस्टम पे जो है वो केस किया है, कोर्ट का पूरा वो कोर्ट का सिनेरियो है, वो वाला नहीं है। जो एक और अक्षय कुमार की जो मूवी थी यार वो कौन सी थी, वो बड़ी बहुत अच्छी थी मूवी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी वो मूवी। बड़ी अक्षय कुमार की तो भाई सारी मूवी हिट होती है, तो किस किस को पसंद है जरा हाथ तो उठाए। अक्षय कुमार भाई मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट, मैं तो मुझे तो बहुत अच्छा। पंकज त्रिपाठी भी जिसको हम कहते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता था, नाम मुझे अभी पता चला है, लेकिन मैंने कई वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इनकी वीडियो। अच्छा इनका कॉम्बो अच्छा है ना, ये पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार का जो ये आया है ना, हाँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी। अब देखेंगे कि वीडियो में कितना मजा आएगा क्योंकि पंकज त्रिपाठी का अपना चार्म है, अक्षय कुमार का एक अपना चार्म है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता चलेगा की कैसी वीडियो है। यामी गौतम भी बहुत अच्छे की बहुत अच्छी मूवीज रही है, अब देखते हैं कि इस मूवी में कैसा। अच्छा दूसरा ट्रेलर भी वैसे ही रहा है, हाँ तकरीबन मिलता जुलता ही था, तो हम समझ रहे थे कि शायद कुछ हटकर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उसी से मिलता जुलता वो ट्रेलर था। वर्डिंग्स बस सेम थी, वर्डिंग सबसे अलग थी, बाकी जो है ना वो सेम था। बिल्कुल, तो आपको इसमें क्या चीज पसंद आई और कैसी लगी है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों ने हमें, तकरीबन 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखते हैं तो एक सब्सक्राइब तो कर दें, ताकि मोहब्बत आप लोगों का खुलूस, आप लोगों का प्यार जो है ना वो हमें सब्सक्राइब और लाइक की सूरत में चाहिए। तो फिर वही अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।